रहमतुल्लाहि व बरकातहु। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए रिज़्क से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके खानों का ज़ायका सलामत रखे, आपको तंदरुस्ती ईमान वाली ज़िंदगी दे, आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे अदारों को मजबूत करें और हमें अपने अदारों के साथ और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ वफादार और मुखलिस रहने की तौफीक करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे पास ये कद्दू है, तकरीबन 1.5 किलो कद्दू है, एक बड़ा प्याज है, साथ में टमाटर है, लहसुन अदरक है। मैं बनाने लगी हूँ कद्दू की सब्ज़ी, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं इसको बॉईल करूँगी, एक बॉईल करके मैं इसका पानी उतार दूँगी। हाँ जी, ये एक दो बॉल आ जाएंगे तो ये जो झाग है इसकी वो ऊपर आ जाएगी, तो मैं इसको छन्नी में छान लूँगी। तो हमारा बॉईल हो गया है, अब मैं प्रेशर में ऑयल डाल के तो प्याज वगैरह फ्राई करती हूँ। ऑयल को मैंने छन्नी में डाल दिया है, सब मैं बॉईल करके कभी कभी बनाती हूँ, कभी वैसे भी बना लेते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप कद्दू को छीलें, काटें इस्तेमाल करने के लिए, खाने के पकाने के लिए, तो आप उसको चेक कर लें कि वो कड़वा ना हो। हमने एक दफ़ा, मुझे तो खुद पता नहीं था कि इसको छीलते चेक भी करते हैं, खाना बनाया तो जनाब दाल और कद्दू बनाया, चावल बनाए, जब प्लेटों में डाला, चावलों के ऊपर डाला, जिसने मिटोंगे पे जिसने चम्मच लिया, पता चला कि ये तो कड़वा है, सारा खाना जाया गया। तो फिर बाद में पता चला कि इसको लाजमी इसको चेक करते हैं, चाहे वो सब्जियों में बनाएं चाहे गर्मियों में बनाएं। हमारी भाभी जो थी वो चेक करके बनाती थी, लेकिन हम ऐसे समझते थे कि लोग ये भी बड़ा कोई बात है, लेकिन अब जब हम बनाते हैं तो चेक करके और अपनी बहुओं से भी यही कहा कि चेक करना है इसको। अब मैं इसमें लहसुन अदरक जो पिसा हुआ है वो शामिल करती हूँ। ये मेरे पास दो टमाटर हैं, ये हल्दी नमक मिर्च हैं, सब्जियां हैं, मौसम के साथ सब्जी खानी चाहिए। और ये जो कद्दू किया कद्दू है इसको तो ज़्यादा खाना चाहिए, अल्लाह के नबी को पसंद भी था और टुकड़ों में पसंद था, लेकिन मेरे भी दो बच्चे जो हैं वो खाते हैं और बाकी जो हैं वो नहीं खाते। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है प्रेशर में, मैं इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए बंद करती हूँ कि जो इसके टमाटर हैं वो मैश हो जाएं। और ये कद्दू की सब्ज़ी खानी चाहिए, अल्लाह के नबी को पसंद थी, इसकी सुन्नत समझ के खाएं, बिश मौसम की सब्ज़ियाँ हैं खानी चाहिए। मसाला हमारा तैयार हो गया है, अब मैं इसमें ये कद्दू डाल देती हूँ। बॉईल मैंने इसे कर लिया था, मैंने बॉईल इसलिए किया था कि जो इसकी झाग है वो निकल जाए, कभी वैसे पका लेते हैं कभी बॉईल करके पका लेते हैं, दोनों तरीके से अच्छा बनता है, क्योंकि जब हम लोग खाते नहीं थे, जब हम बच्चे थे उस वक़्त हम लोग बॉईल करके, हमारी मम्मी ने पकाया था तो उसके बाद फिर मैं भी बॉईल करके पकाने लग गई, और मेरे दो बच्चे खाते हैं टुकड़ों के साथ, वो टुकड़ों वाला खाते हैं, बाकी जो हैं वो खाते कम हैं लेकिन खा लेते हैं, और सलार के दादाजी भी खाते हैं, पसंद करते हैं, दो बच्चे तो खैर बहुत पसंद करते हैं, सलार के दादाजी भी, मैं भी, और बनता भी बहुत मज़ेदार है, चाहे हम चिकन में बनाएं चाहे मटन में, बीफ में, जैसे भी बनाएंगे मज़ेदार बनता है।
मौसम की सब्जियां हैं, खानी चाहिए। ये है कि पहले ये होता था कि जो कद्दू था वो गर्मियों में आता था, अब तो गर्मी सर्दी में ही आती हैं ये सब्जियां, करेले हो, भिंडी हो, कोई भी है, गर्मी सर्दी में आ रही है। लेकिन ये है कि जो गर्मी की सब्जी है वो गर्मी में ही मज़ेदार बनती है, जो सर्दी की है वो सर्दी में बनती है, क्योंकि सर्दियों में ये बनाए तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब तो गर्मी शुरू हो गई, अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा बनता है। गर्मी वाले का तो और सर्दी वाले का तो टेस्ट है। अब मैं प्रेशर को बंद कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। अब हमारा कद्दू तो हो गया तैयार, मसाला इसमें डालते हैं, धनिया और सब्ज मिर्च डालते हैं, फिर मैं इसको बॉल में डालती हूँ, शॉर्ट करती हूँ। मैंने इसको मैश नहीं किया क्योंकि ज़ारा के जो बाबा हैं वो इसी तरह टुकड़ों के साथ ही से खाते हैं। मैंने डिश आउट कर लिया है, देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है, सुभानअल्लाह, अल्लाह की नेमतें हैं, शुक्र अदा करना चाहिए। आप भी बनाएं, हमारी रेसिपी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।